अच्छा तो तुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम था? ऐसा कुछ नहीं है यार, उनका कैंडिडेट पहले से ही फिक्स था। मैं बीकॉम हूँ या ग्रेजुएट हूँ इस बात पे उन्होंने आधे घंटे तक बहस की थी। मैंने एक बार बोल दिया बीकॉम हूँ, बस बात खत्म। फिर मैंने सर्टिफिकेट भी तो जमा कर ही रखे थे ना, फिर बार बार पूछने की क्या जरूरत थी इसमें? फिर उन्होंने इश्तिहार में दे रखा था कि बीकॉम ग्रेजुएट ही आवेदन कर सकते हैं, फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है भाई। यार मुझे तेरी प्रॉब्लम ही नहीं समझ रही है। तू उनको सीधा सीधा बोलना चाहिए था, मार्कशीट मैंने फाइल में जोड़ दी है, क्या फर्क पड़ता? वो तुझे क्या फांसी पे चढ़ाने वाले थे? और एक बार रिजेक्ट हो जाता। अरे वैसे भी तू चुप बैठता है ना तो रिजेक्ट हो जाता है, एक बार बोल के तो देख क्या फर्क पड़ता है, और एक बार रिजेक्ट हो जाएगा। हाथी को चींटी का वजन भारी नहीं होता। बड़ा मजा आ रहा है ना तुझे, तुझे तो कोई इंटरव्यू देना नहीं पड़ता है, बाप ने इतनी बड़ी दुकान खोल कर दे दी, मजे कर रहा है और मुझ पे हंस रहा है। अगर मेरे बाप ने भी मुझे इतनी बड़ी दुकान खोल कर दी होती ना तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। तो तुझे किसने नहीं कहा तू भी खोल ले दुकान? हाँ पर दुकान के लिए लाइसेंस निकालना पड़ता है और उसकी भी एक इंटरव्यू होती है। अरे हाँ तो उसको अंग्रेजी में इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। अच्छा तो तेरी प्रॉब्लम इंटरव्यू की नहीं इंग्लिश की है? अरे नहीं यार, इंग्लिश विंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतनी इंग्लिश तो मुझे आती है। असल में मैंने पैसे नहीं दिए ना उन्हें नौकरी के लिए। वो जिस लड़के का सिलेक्शन हुआ ना वो तो पहले से ही हंस रहा था, हाथ में घड़ी बड़ा सा मोबाइल, उसने पैसे खिलाए होंगे। और ये जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी था ना, ये आदमी मुझे ठीक नहीं लगाया। क्यों? उसने मुझसे क्या बोला तुझे पता है? उसने मुझे कहा कि आपका कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा नहीं लगा। तो जिसका सिलेक्शन हुआ उससे मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा था, इसलिए डर गया होगा वो। ऐसा उसने तुझे कब कहा कॉन्फिडेंस के बारे में? जब मैंने इंटरव्यू खत्म होने के बाद रिजल्ट के लिए पूछा उससे तब। इतना घटिया इंटरव्यू देने के बाद भी तू पूछता है रिजल्ट कब आएगा, तो वो बोलेगा ना कॉन्फिडेंस के बारे में? तू तो कुछ अच्छा सोच ही मत मेरे बारे में, सिर्फ बुरा बुरा ही सोचा कर। घर वाले तो ताना देते ही थे, अब तू भी दे दे। बेकार हूं ना मैं, किसी काम का नहीं हूं। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, फिर देखना कैसे सारी दुनिया नाक रगड़ते हुए मेरे पास आती है। कोई नहीं आएगा नाक रगड़ते। मैं कहता हूं इंटरव्यू की तैयारी तू रगड़ के कर और सिस्टम को दोष देना छोड़ दे। क्यों ना दू, सिस्टम तो है ही खराब। देख यार, सिस्टम तभी गलत लगता है जब सिस्टम में अपना उल्लू सीधा नहीं होता है। जब तक मतलब निकलता है तो सिस्टम अच्छा, और जब मतलब निकल जाता है तो सिस्टम खराब। ये सोचना बंद कर दे। अब मैं क्या सोचूं और क्या न सोचूं मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, समझा? तू तो बस अपनी ये दुकान संभाल। कुएं के मेंढक, घर के बाहर क्या होता है पता नहीं, और बड़ाया मुझे समझाने वाला नहीं। कहीं तेरे से बात, जा। मुझे जा बोला और खुद ही चला गया, अजीब है। हो जाएगा इसका गुस्सा ठंडा और एक दो इंटरव्यू के बाद। माय कमिंग सर।
यस प्लीज कम इन सीट बी सीटेड बैठो. थैंक यू सर. वहां नहीं, यहां सामने सामने बैठो. ओके सर. So, Mr. Yuvraj, right? No, right, sir. Left, Yuvraj. Name. Right, surname. Middle, father name, sir. Okay. You like making puns? Good. No fun, sir. All serious. Okay. Serious question. You have done BCom, correct? Right, sir. Done BCom. Okay, now tell me, who wrote autobiography of Pandit Nehru? Autobiography of Pandit Nehru. Do you know Pandit Nehru? Yes, sir. Who is Pandit Nehru? Prime Minister of India, sir. Good. He is Prime Minister of India or he was Prime Minister of India? He is. Okay, now tell me, who wrote autobiography of Pandit Nehru? Autobiography. Okay. Do you know what is autobiography? No, sir. What is biography? What is auto? अरे ये नाम भी सुने हैं आपने कभी? ऑटोमोबाइल सुना है सर. क्या मतलब है ऑटोमोबाइल का? ऑटो रिक्शा में मोबाइल लेके बैठना? नो सर. व्हाट नो सर? यस सर. यस सर नो सर. अरे कहां से आते हो यार तुम लोग? यस सर नो सर के आगे ढंग से बात ही नहीं करनी आती और इंटरव्यू देने आ रहे हो. ये लो तुम्हारा फाइल. हो गया इंटरव्यू तुम्हारा. जाओ. ओके सर. थैंक यू सर. अब क्या है? हो गया. वो रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर? अब इसमें क्या सस्पेंस बचा यार? ढंग से इंग्लिश में तो बात नहीं करनी आती आपको और इंटरव्यू दे रहे हो. हो गया तुम्हारा इंटरव्यू. अब जाओ. और सुनो, दोबारा मत मिलना. ठीक है? ओके सर. जाओ. थैंक यू सर. ठीक है. यार अमित, कैसे कैंडिडेट सॉर्ट करके देता है यार तू? आजकल जो भी उठता है इंटरव्यू देने चला आता है. बेसिक इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल नहीं आते यार किसी को. इनको बोलो अपने गांव में जाए और वहीं कुछ मजदूरी ढूंढे. और आगे का कैंडिडेट भेज दो यार अभी. बड़े दिनों बाद फुर्सत हो गई बेटा तुम्हें. आजकल आते नहीं तुम. छोटे थे तो रूही के साथ दिन भर खेला करते थे. आजकल तो बस रक्षाबंधन और भैया दूज. दो ही दिन मुंह बोले भाई की तरह आते हो और जल्दी में चले जाते हो. सब ठीक तो है? सब ठीक है मासी, बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ आजकल. नौकरी का कुछ पक्का हुआ? अभी तक तो नहीं, पर दो तीन इंटरव्यूज दिया, हो जाएगा. हो जाना चाहिए था.
अब तक तो तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए थी। हमारे जमाने में तुम्हारी उम्र में दो दो बच्चे हुआ करते थे। माँ, तुम्हारे जमाने की बातें अब बंद करो, अब जमाना बदल गया है। टाइम हैज चेंज्ड, राइट भैया? राइट। अब तुम दोनों यूं अंग्रेजी में बातें करने लगे, मेरी तो समझ में आने से रही। चलो मैं अपने काम में निकल। वो भी ठीक है, लेकिन जरा ध्यान दोगी तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। कहाँ बेटा, तुम आ चलो। भैया, आपकी इंग्लिश तो हमारी इंग्लिश से बहुत ही बेहतरीन होगी, और इतने सारे इंटरव्यू जो देते हो आप, है ना? हाँ, पर हर कोई तेरे जितना होशियार थोड़ी होता है। भैया, आपको पता है हम ना इंग्लिश कम्युनिकेशन के क्लास को जाते हैं, वहाँ पे बड़ा मजा आता है। वहाँ पे कंप्यूटर पे हम सब खुद ही सीख लेते हैं। आपको अगर टाइम हो तो आप भी आओ ना हमारे क्लास में। ठीक है आऊंगा कभी देखने के लिए। खैर, आपको तो इंग्लिश सीखने की जरूरत भी नहीं, आपकी इंग्लिश कितनी बेहतरीन है। भैया, नौकरी का कुछ पक्का हुआ? मासी बता रही थी आपका पिछला इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा। क्या ताने दे रही मुझे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या? इतना कम अकल का आदमी समझती है मुझे? आप गलत समझ रहे हैं मुझे। अच्छा, कल का आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया भैया, आपको तो इंग्लिश सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी क्लास देखने आइएगा। हाँ, सब समझता हूँ मैं, समझी? बहुत बहुत अकलमंद हो गई हो अब तुम। क्या वो कलेक्टर बनना चाह रही हो ना? तो बनो, पर मुझ में अपना रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? आप गलत समझ रहे हैं हमें भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अरे भैया, खाने पे तो गुस्सा मत निकालो। अरे भैया, आप कैसी हो दीदी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों से आए आप। हाँ, धागा दिखाना तो जरा। कौन से कलर का? नीला, पीला और हाँ, ऑरेंज भी देना। अच्छा, ठीक है। कुछ नए कलर आए हैं क्या? नहीं ना, अभी तक तो नहीं आए। हाँ, ये रहा धागा का बॉक्स। ये कंपनी अच्छी है ना? पिछली बार दिया था वो 10 बार टूट रहा था, एकदम घटिया माल दिया था। अब देखो दीदी, हर माल हम थोड़ी इस्तेमाल करके देखते हैं। कंपनी वाला जो बोल के देता है वही बात हम आपको बोलते हैं। आज हो जाती है, हमें आके गालियां देती है, आपकी बात हम कंपनी वाले को सुनाते हैं, दोनों तरफ की गालियां खाकर हम धंधा करते हैं। दीदी, हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हुई, ना घर का ना घाट का, कभी इधर का ना कभी उधर का, बस घूमते रहते हैं। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे बंटी। अच्छा, शो बटन आए हैं? नहीं दीदी, वो लास्ट टाइम वाला ही माल है, शायद कल आएगा। फोन करूं आपको कल? हाँ कर दो, महंगे हो गए तो फोन भी मत करना। पिछली बार 20 रुपए की शो बटन दिखाई थी तुमने। अपने गांव में औरतें 100 रुपए सिलाई मांगो तो रोती है, वहाँ 20 रुपए की शो बटन कहाँ से लगाऊं मैं? पते की बात बताऊं दीदी मैं आपको, आप एक गांव वाला बिजनेस ही बंद कर दीजिए। अरे, यहाँ की औरतें 100 रुपए देने के लिए खिटपिट करती है,
और वही औरतें शहर में जाके 500 का ड्रेस लाती है बिना भावताव किए, वो भी बड़े चाव से। आप अपना माल बनाओ और सीधा मॉल में बेच दो। अरे मैं कहता हूँ बिजनेस भी बढ़ेगा और दाम भी दुगना मिलेगा, ऊपर से उधारी का झंझट नहीं रहेगा। नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ तो 10 औरतों ने माल खरीदा तो 5 औरतों की उधारी लिख के रखनी पड़ती है। वो तो पूछो ही मत, मुझे तो सलवार की सिलाई के पैसे कमीज की सिलाई के वक्त मिलते हैं।